सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम सभी शरीर में पानी की कमी होने पर कैसे आप उसे पहचानेंगे और उसको कैसे दूर करेंगे। क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन रहती है कि हमारे शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा है या नहीं है, जितना पानी हम पी रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर का 75% हिस्सा पानी से बना हुआ है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उस हिस्से को बनाए रखना बेहद जरूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए दिन में कम से कम 8 से 9 ग्लास पानी पीना बेहद जरूरी माना जाता है। डॉक्टरों की भी राय यही है कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना 8 से 9 ग्लास पानी नहीं पीता है तो उसके शरीर में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि शरीर में पानी की कमी कई गंभीर बीमारियों को न्योता दे दे। लेकिन शरीर में पानी की कमी के लक्षणों को पहचान पाना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि आपको अधिकतर मामलों में उसकी जानकारी ही नहीं हो पाती है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जिन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि उनके शरीर में पानी की कमी है या हो गई है। ऐसे में दूसरों की राय आपके लिए घातक साबित हो सकती है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि शरीर में पानी की कमी का पता कैसे लगाएं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। पूरा वीडियो जरूर देखिए उन संकेतों के बारे में जिससे आप पहचानेंगे कि पानी की कमी है आपकी बॉडी में। लेकिन हम उन्हें पहचानने में असमर्थ होते हैं क्योंकि हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। इसमें सबसे पहला लक्षण है जो कि हमें दिखाई देता है, वह है पेशाब का रंग पीला पड़ना। जब भी आप पेशाब करते हैं और पेशाब का रंग आपको पीला दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है। पेशाब के दौरान हल्की जलन होना भी इस बात का संकेत होता है कि शरीर में पानी की कमी हो गई है। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए आपको निरंतरता के साथ पानी पीना चाहिए और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रोजाना 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य संकेत है मुंह से बदबू का आना। जी हाँ, कई बार मुंह से बदबू आती है। शरीर में पानी की कमी होने पर जो दूसरा लक्षण दिखाई देता है वह है हमारे मुंह से बदबू का आना। दरअसल जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारा मुंह सूखने लगता है और मुंह से बास आने लगती है। इसके पीछे ये भी कारण है कि पानी की कमी के कारण मुंह में लार कम मात्रा में बनती है, जिसके कारण मुंह से बदबू आने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो तुरंत ज्यादा पानी पीना शुरू करें, तभी इस समस्या से आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा सिर दर्द होना। जी हाँ, जिन व्यक्तियों के शरीर में पानी की कमी होती है उनके सिर में अक्सर दर्द रहने लगता है। अक्सर लोग इससे बचने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और बार बार दवाइयों का सेवन आपके शरीर के अंदरूनी भाग को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इससे बचने का उपाय है कि आप दिन में 8 से 9 ग्लास पानी जरूर पिए। ऐसा करने से आप सिर दर्द और अन्य बीमारियों से भी बचेंगे, साथ ही साथ आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। इसीलिए आप पानी की पर्याप्त मात्रा का सेवन हर रोज जरूर करें और इसके लिए जरूरी है कि आप जहां बैठते हैं वहां पर पानी की बोतल एक हमेशा रखा कीजिए, क्योंकि आलस्य की वजह से बहुत लोग पानी नहीं पीते हैं कि बार बार उठा करके कौन लाएगा। तो ऑफिस में या जहां भी आप कार्य कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे हैं तो अपने साथ में एक बोतल पानी हमेशा आपको रखना चाहिए ताकि आप घुट घुट करके पीते रहें, आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए जो कि बॉडी में पानी की मात्रा को पहचानने से रिलेटेड रही। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियोज आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल है तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।